परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज करदा। सजणो ते भराओ, खान साहब ने जनाब मंजी सारयां दी ठोक दित्ती। उहदे च ठोक गई मंजी जी अपोजिशन दी, ठोक गई मंजी जी लॉन्ग मार्च दी, ठोक गई मंजी जी उहनां अदाकारां दी जिहड़े रोज़ टीवी ते आ के 7 बजे तों लैके रात 12 बजे तक शोर पाते जी। ठोक गई मंजी उन्हां दी जिहड़े कलम लिखते जी। ठोक गई मंजी जी IMF की, ठोक गई मंजी जी अमरीका की, ठोक के जवाब दिता। उहदी वजह रात अमरीका ने एक फैसला किया जी, जिहड़ा कि बहुत ही नजायज़ फैसला किया, पाकिस्तान नूं सज़ा देण वास्ते, इस हुकूमत नूं सज़ा देण वास्ते, इस हुकूमत ते प्रैशर पाउण वास्ते, इस एस्टैबलिशमेंट ते प्रैशर पाउण वास्ते उन्होंने टैक्टस इस्तेमाल किए। क्यों? उन्होंने ये जिहड़े बच्चे जमूरी इत्थे फिरदे, इन्होंने जे 5-6 जिहड़े पॉइंट भेजे सी उहदे च इह सी किसे तरह कोई तरीकाकार अख्तियार किया जाए, ये जिहड़ी एस्टैबलिशमेंट आ जां जिहड़ी हैगी आ इहनूं दबाओ च लिया जाए। वह दबाओ का जिहड़ा इजहार उन्होंने राती किया कि पाकिस्तान का बैंक जिहड़ा वा नैशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इहदे ते 2016 जदों नवाज शरीफ साहब की हुकूमत सी जी, उस वेले एक केस मनी लॉन्डरिंग के हवाले ना इन्हां दे उत्ते अपॉइंट किया गया सी, इन्हां दे खिलाफ दर्ज किया गया सी, और उदों दा फाइलां जिहड़ियां वह कितने अलमारी च दबिया दुबिया रही जी। जदों आ रूस का दौरा करके आए, जदों अपोजिशन उन्होंने तेज़ किया, जदों CIA उन्होंने ये मतलब टास्क दिता, इतने के जेडे सफीर आ उन्होंने मुल्कों के उन्होंने टास्क दिता, ये जेडे अपोजिशन वाले आ इन्हों उस तरह कैंचियां दे के तेज़ किया। उस तो बाद जरा वाकया होया, मतलब खबर मैं सुनी है जी सुबह, तो मैं सुबह तो जरा परेशान इस गलों से कि यह पाकिस्तान ज्यादती की थी, वह कोई रद्द अमल कुछ ना कुछ तो आना सी जी, हजे आएगा इंशाल्लाह और ठीक ठाक आएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब की मुलाकात तो बाद सारी कौम नू भी खुश किया, तो सारी अपोजिशन जी उन्होंने हैरान परेशान करता, और होया तफसील सारी तुहानू मौजूद आ। पेट्रोल उन्होंने सस्ता करता जी 10 रुपए, डीजल उन्होंने सस्ता करता 10 रुपए जनाब, इस तो अलावा बिजली जी 5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दिती आ, इस तो अलावा जनाब 30,000 बच्चे जिहड़े आ जिहड़े ग्रेजुएट आ उन्हां नूं इंटर्नशिप देण दा ऐलान कीता, इस तो अलावा जनाब 407 अरब रुपए के कर्जे जिहड़े आ ओह अनाउंस कर दिते आ जी, जिहड़े मुख्तलिफ सूरतां दे विच दित्ते जाणगे। इस तो अलावा जी 14,000 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया जी, जिहदे च असास कार्ड, फलाना कार्ड, राशन कार्ड, जो भी वह करनगे वह किसान कार्ड, ये सारे 14,000 अरब रुपए के जी वह पैकेज आ जी। इस तो अलावा जनाब उन्होंने इंडस्ट्री वास्ते जरा वा सब तो अहम गल की आ कि किसी बंदे नूं नहीं पूछा जाएगा तेरे पैसे के जराए की आ, तू कितों पैसे लैके आने, तो कितों तेरा वा आमदन का तरीकाकार की आ, तू सिर्फ सिर्फ इंडस्ट्री लानी जी, ये बहुत बड़ी गल आ, बहुत बड़ा रिलीफ आ। जिस तरह के कंस्ट्रक्शन के सैक्शन जरा सैगमेंट आदे गल अनाउंस की गई और अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान नू आ रहा वा जी, इस तरह ही उन्होंने इंडस्ट्री में ये अनाउंस कर दिता कि किसी बंद नहीं पूछा जाए कि तेरा पैसा जायज़ आ नजायज़ आ, तू इंडस्ट्री ला। वो वास्ते होर भी फैसिलिटियां उन्होंने अरेंज कर दतिया वा कि ताकि पाकिस्तान के अंदर जरा वा वो संत लगनगियाँ, रोज़गार बधेगा, पाकिस्तान की जी एक्सपोर्ट बधेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस तो अलावा जनाब सेहत कार्ड जिहड़ा वा वो मार्च के महीने के एंड तक पूरे पंजाब च या जिन्हें जिन्हें सूबे च हुकूमत हैगी जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की या उन्होंने इतिहादियों की उत्थे एक्टिव हो जाना, और जिन्हें जिन्हें इलाकों के एक्टिव हो गया, जिन्हें च मेरा इलाका वा लाहौर आ अपना होर जे इस तरह बाकी इलाके है कई थान से वो एक्टिव हो गया, उत्थे लोग हुण जिहड़े आ इलाज करा रहे हैं जी। इस तरह जनाब उन्होंने जिहड़ा वा रूस के मुतलक दसिया कि पाकिस्तान के जेडे वो बाकी सारिया गलां तो नहीं दसिया जी, लेकिन उन्होंने ये गल दसी आ कि जिहड़ा रूस आ उतों एक तो 20 लाख टन गंदम जी आदि गलबात की गई, दूसरा जिहड़ा आने वक्त का जिहड़ा बहरान आ गैस का वो मतलब उन्होंने जी मैं तुम उदर भी दस हमाद अदर साहब ने दसिया 90% जी डील फाइनल हो गई आ, हूँ सिर्फ ये देखना कि अगर ईरान तो पाबंदियां उठदियाँ तो वो जी पुरानी पाइपलाइन एक्टिव होना या कोई नवी पाइपलाइन जी फिल फॉर बिछाई जाएगी वो मतलब काम शुरू हो जाएगा, वो जरा वा इमरान खान साहब ने जिक्र किया। उस तो अलावा
जिहड़े खुफिया मुआहदे होए आ उहदे ते दिफा आ गया, उहदे च संत तजारत आ गई जी, उहदे च इंडस्ट्रियां जिहड़ियां पाकिस्तान च उहने लाणियां वा, स्टील मिल का भी जिक्र आ, रेलवे के मुतलक भी कुछ हैगे मामलात, ये सारे मामलात जी उन्होंने मतलब कि पिछली अपनी तकरीर च दसे सी, मैं तुहाडे नाल शेयर भी कीते सी ये सारियां गल्लां जी। और अज पाकिस्तान ने समझो कि ऐलान एक किस्म का फिर दोबारा करके उन्होंने जिहड़ियां सहूनी ताकतां वा जी उन्होंने ये दस्या वा कि असी तुहाडा पिछा छड़ दिता, असी जनाब चले गए हाँ वो दूसरे ब्लाक दे विच। और मैं तुहानूं याद होना अज तो 2 महीने 2.5 महीने पहले तुहानूं इह गल कही सी, मेरी एक वीडियो पई है जी मेरे यूट्यूब दे उत्ते अपना चैनल दे उत्ते कि अगला वजीर आजम कौन होगा, उहदे विच तुसीं देख लो मैं की अल्फाज कीते सी, मैं कहा सी चाइना रूस दे दौरे तो बाद इह फाइनल हो जाणा कि अगला वजीर आजम तुहाडा कौन होएगा। अज खान साहब ने जनाब इन स्विंगर एक गेंद कीती आ, 3 बोल्ड कीते जी, अपोजिशन बोल्ड कीती उन्होंने जनाब, IMF बोल्ड की उन्होंने जनाब, अमेरिका तो वो इतिहादी जोड़े बोल्ड किए, लेकिन अपनी जान से खतरा उन्होंने बदा लिया जी। इस तरह हूँ जी साजिश है वो मुल्क तेज़ हो जाएगी, ये हूँ अमेरिका अपना जोर लाएगा, जेडे पाकिस्तान के थिंक टैंक आ या पाकिस्तान के जेडे मुक्तदर अदारे आ करते तोड़ किस तरह करते हजे वाजे नहीं है जी, वो होएगा। और जिदा जिदा तुर्की बा तुर्की जवाब दिता जाएगा, गल यह है जी कि इस पैकेज के नाल इमरान खान साहब दोबारा जिंदा हो गए। और अपोजिशन की परेशानी का आलम यह है कि अज तो 2-3 दिन पहले तक, दो घंटे पहले तक उन्होंने स्टेटमेंट यह सी, बिलावल भुट्टो साहब की आज की तकरीर चुके देख लो, ओ जी असी जनाब इस्लामाबाद पहुँचागे तो ये कर देंगे, मैं हूँ उन्होंने लफ्जा नहीं दोहराना चाहता जी, लेकिन 2 घंटे समझो भी ये तकरीर हुई जी ये तो पहले तक उन्होंने स्टेटमेंटा जीडिया वा तो घंटा क तो फिर इंतजार च बह गए थे ना जी भी हूँ तकरीर की होन लगी आ, तो वो ये 2 घंटे पहले जरा वा वो यही कहते थे कि इमरान खान जरा वा वो मुल्क नू तबाह कर गया, उन्हें मौशत तबाह करती, उन्हें आवाम जी उन्हें भुख ना मार दिता और आवाम के पल्ले कख नहीं छड़िया। लेकिन तुसी यकीन करो कि जिस वेले इमरान खान साहब की तकरीर हो गई उन्होंने नाल जो फिर एंकर ने राबता करना शुरू किया, उन्होंने जो तजिया नगार या MNA से उन्होंने कहा जी ये सारा ही झूठ है जी, ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान को तो पैसे ही है नहीं, कि ये पैसे इतों इन्हें कितों ले आएंगे, यानी पहले वो कहते सी जे कि पैसे है तो खर्चता क्यों नहीं, अज इमरान खान साहब ने जी पैसे खर्चन का ऐलान कर दिता, तो हूँ वो ये कहते हैं जी कि पैसे इन्ने हो ही नहीं सकते, असं मान ही नहीं सकते कि पाकिस्तान जरा वा इन्ना रिलीफ दे लवे, ये आ जी उन्हां दी जबान। जिदा जहांगीर तरीन साहब के मुतलक वो चीनी चोर कहते सी, ATM कहते सी, फिर उन्होंने कहना शुरू करता जी अंकल को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए जी, ये आ जी चौधरी परवेज राई साहब जी उन्होंने चौधरी चोर के नाँ से याद किया गया, फिर उन्होंने दरवाजे से भीख मंगन चले गया जी। जरदारी साहब तो शबाज शरीफ साहब का जो केस से जो एक दूजे खिच खिचा करना सी, जिदा सड़कों पर धरूना सी एक दूजे को, या एक ने और जरा अपना जाति उम्र जी स्टेट बनानी सी, ये सारे बयान तुहाडे सामने आ, फिर वो कट्ठे बह के रोटी खाण लग पे जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जेडे आ वो बेचारे दोवां चक्कियां दे पाटां दे विच पिस रहे आ जी, कभी उधर तो कभी उधर, लेकिन अपना जरा वा वो देखते पे आ भी मेरे नाल बणदी की पई आ। मौलाना साहब का एक वक्त आ जाना जी इलैक्शन तक, ये अज की गल मेरी याद रहेगी जी कि मौलाना साहब जिस चक्कर दे विच लगे आ वो आदि छोड़ सारी के जवाए आदि भी गवाए, उन्होंने अपने बंदे छड़ के उन्होंने भज जाने जी, ये अज की गल तुहाडी तुसी मेरी याद रखना। बहर हाल जी इमरान खान साहब ने जिहड़ा पैकेज अनाउंस किए आ नहायत ही शानदार पैकेज आ, IT दे इंडस्ट्री दे विच उन्होंने बड़ा रिलीफ दिता वा, और उन्होंने होर जिहड़ियां सनअतां दे मुतलक रिलीफ दिता, पेट्रोल च रिलीफ दिता, इस तरह जनाब डीजल च रिलीफ दिता, बिजली च रिलीफ दिता, करजे जिहड़े आ उन्हां दा अनाउंस करता। फिर उन्होंने ये भी दस्या कि जिहड़े हाउसिंग सैक्टर आ उहदे विच जिस तरह जिहड़ा भी उन्होंने अनाउंस किया कि कोई भी बंदा जिहड़ा वा वह इनवैसटमेंट जिहड़ी आ उहदे उत्ते उन्हां नूं कोई पुछगिछ नहीं होएगी, और उन्हें अपना आप साबित किया जिहड़ा वा हाउसिंग सैक्टर आ कि उहदे च कम तेज़ी आई आ, उहदे नाल कई इंडस्ट्रियां चलियां। इस तरह ही उन्होंने जिहड़ा हुण अज ऐलान किया कि इंडस्ट्रियां जिहड़ियां वा वो ज़्यादा लाइया जा, किसी बंदे नूं यह नहीं पूछा जाएगा तेरा पैसा जायज़ा नजायज़ा, जिस तरह मैं पहले जिक्र किया। ये सारिया गल्लां जी उन्होंने अपनी तकरीर किया, मैं कोशिश करांगा जी कि वीडियो रोक के विच क्लिप उन्होंने शेयर करा,
लेकिन ना कर सका तो माजरत फिर उन्होंने अलहदा चलावगा जी, लेकिन मैं अब हत्तल अमकान कोशिश करा कि उन्होंने जनाब जरा इंट्री खान साहब की नाल दी नाल ये हो जाए। बाहर हाल के जी अल्लाह ताला जिंदगी करे खेल सारा उल्ट गया जी, हूँ हिम्मत और ताकत की इतने मजारे की लौड़ आ। कल इमरान खान साहब लाहौर जा रहे, कल वह चौधरी परवेज राई साहब न भी उन्होंने मुलाकात आ, मतलब जराए के मुताबिक जी जहांगीर तरीन साहब न भी जी खुफिया जरा फोन आते मुलाकात हुई आजे कन्फर्म गल नहीं हैगी, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के नाल हैलो हाए हुई आ। वह हैलो हाए होने तो बाद अज आर्मी चीफ साहब न मुलाकात हुई आ, सारिया गल् दस दियाँ वा। अगर अल्लाह तला ने जिंदगी की जी अमेरिका वा उन्हें या जड़िया दूसरिया स्टैबलिशमेंट आ उन्होंने हूँ अपना पूरा जोर लाना जी, अल्लाह तला करे खैर जी आप 25-30 दिन जड़े आ ये गए जी खैर खरीयत ना निकल तो खान साहब दे इन्होंने मतलब कि देखते रहना खान की फ्लाइट जी सोलो फ्लाइट होएगी, फिर उन्होंने रोकना नामुमकिन होएगा। और मेरिया जड़िया वो गल् उस वीडियो कही हुई फिर जड़िया वा इंशाअल्लाह सच्चिया हो गया, कहते सच न सच ही हों जी, झूठ जरा जरा वा वह कभी तरदा नहीं है, सच एक बारी बोलिया चंगा तो झूठ हज़ार बारी बोलिया फिर बोलना पैदा जी मुड़ के।